ये जिस यहाँ पे ये राइटिंग एक मिलती है, अभी किस लैंग्वेज में ये नहीं समझ आ रहा। मस्जिद मुबारक हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब और तमाम खलीफा मोहम्मद तासीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मस्जिद बाबा जी साहब निज़ामुद्दीन कैया शरीफ वालों ने अपने दौर में बनवाई थी, और ये कोई कश्मीर से कोई कारीगर आए थे, मकबूज़ा कश्मीर से, जिन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। पूरी की पूरी मस्जिद अंदर से लकड़ी की बनी हुई है, और पहले इसके ऊपर भी लकड़ी थी, मगर फिर अब वो अभी इसके ऊपर फिर ये वाली डाली हैं। ये देखें, इसके नीचे देखें, ये लकड़ी है, ये लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं, तो अभी फिर इसके ऊपर फिर उन्होंने लोहे का डाल दिया। ये इस मस्जिद की एंट्रेंस वाली साइड में एक साइड पे वरांडा है पूरा, और ये मस्जिद है जी। इसके पहले ऊपर भी सब लकड़ी का एक काम हुआ था, इसके एजेस के ऊपर ये सारे का सारा ये दरवाज़ा लकड़ी का, ये पहले तो इसका कलर कुछ और होगा, जैसे कि ऊपर की सिंपल लकड़ी थी, ये देयार की आई थिंक लकड़ी होती है ये, तो अब ये इन्होंने फिर ऊपर पेंट कर दिया। ये इसकी एंट्रेंस है मस्जिद की, इस साइड से मेन एंट्रेंस बेसिकली ये है मस्जिद की, छोटा सा रास्ता यहाँ पे, और ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, और नीचे ये देखें, ये बाहर से ये आगे एक गेट, ये यहाँ पे ये खिड़की है इसकी, और ये आगे मेन एंट्रेंस है मस्जिद की, और इस साइड में ये वरांडा बना हुआ है, ये ऊपर छत भी इसकी लकड़ी की है ये सारी, ये इस साइड पे वरांडा है इसका मस्जिद का, ये मस्जिद की दूसरी साइड। और ये बाबा जी की सब औलाद है यहाँ पे, इनकी कबूर है इस साइड के ऊपर, और उस साइड में ये जो ऊपर यहाँ पे ये जो घास लगा हुआ है छत पे, ये भी बाबा जी के एक बेटे हैं, और एक वो इनके साथ एक अगली साइड पर देख रहे होंगे, वो भी बाबा जी के एक बेटे हैं, और एक बाबा जी के बेटे उनकी कब्र अंदर की साइड पे मज़ार के साथ ही। और ये दूर दराज पहाड़ों के ऊपर भी बर्फ़ गिरी है रात को, ये बिल्कुल बर्फ़ है, ये सामने भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ हुई है रात को, ये कल ही हुई है, और इस साइड पे भी थी मगर ये सब सही, और ये इस साइड पे भी बर्फ़ है, ये उधर भी बर्फ़ है, इसके पीछे भी एक पहाड़ है जिसके ऊपर बर्फ़ है मगर वो अभी नज़र नहीं आ रहा। ये मस्जिद के अंदर जाएंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी अंदर लकड़ी के फट्टे, लकड़ी है सारी की सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टोर रूम है मस्जिद के साथ, जिसके अंदर लकड़ी है, और लकड़ी क्योंकि जलाते हैं और ऊपर से वो ऊपर की तरफ जाती है, ये शायद पानी वजू के लिए कुछ रखा हुआ है बर्तन इस तरह के। अंदर शायद लाइट नहीं है इस टाइम, बाकी मैंने अंदर से तस्वीरें वीडियो बनाई है इसकी। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह बरकात। लंगर में लग गया तुम जैसे कम था तू भूखा ना ए जो का तू इसी नस्ल के जो बाप जी साहब आस्ते कार के बीच जमीन रिच को ले लिया था पहला मन यहां से डंगर जैसा कुछ गए तो पीछा सत्तर डंगर है दफा बचा गया नालों के टुकड़ी पे गया पंजाब दा सा जो दिए डंगे चारने दौर दा सा ये इसी तरह पंजाब का से जगह रहा आज हो तो इंडिया तो आया था करें दे पंजाब वो आ गया था करें मोतियां साथ ना डंगरा बुला है और मुझका है उसका इसी तरह बाबून उतर रात राती डोलियां पीना अरे डोल डंगर रहा है उतर इसको सही अकेला वहां से जो दिन उसका उसको आते हैं क्या आते हैं ना उसके